साइड पे आ जाओ, साइड पे आ जाओ। इतने लोग गिरफ्तार चार्ज किया है, तेजाब फेंके हमारे ऊपर। लाहौर के दोनों सेक्रेटरीज को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। पुलिस के सामने बिल्कुल वकला जमा हो चुके हैं और उन्होंने एक बैरियर लगा दिया कि आप आगे ना जाएं, हमारे साथ बात करें। कोई एक भी पत्थर मारेगा, कोई एक लड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। सर पथराव जी, पुलिस पथराव कर रही है, हमारे पास कुछ नहीं है यार, पत्थर ना फेंकना यार, हमारे पास कुछ नहीं है। पत्थर किसने फेंके? डंडे सटते पहने, छोटे मारते पहले, निहत्ते वकले हालिया। ये क्या हुआ है सर, ये क्या वाटर कैनन मारे? ये देखिए, ये मेरा सारा सर जला हुआ है, ये मेरी आंख जली हुई है, ये पीछे मेरा कान। पस्त नहीं होने वाले इंशाल्लाह, हम खड़े हैं। इस केमिकल में पानी में, इस पानी में केमिकल हाथ से वाटर गन से फेंक रहे हैं। ये देखिए रवैया, ये इदारे साड़ी हिफाजत वास्ते ने, लोगों के तशद्दुद वास्ते ने। मैडम मुजाकरात? सर कोई मुजाकरात नहीं, अपने घर जाने की इजाजत ला रहे हैं। ये वाघा बॉर्डर है, जिस तरह से भड़के मार रहे हैं, पुलिस भी हमारी है, हमारा टैक्स से सैलरी लेती है। काम आप खराब ना करें। इजाजत किस चीज की मांग रहे हैं, अदलिया में जाने की? नहीं जी, हम अपने घर हाईकोर्ट पूरा मंत्री के सेंटर होने की इजाजत मांग रहे हैं, हमारा हाल देखे। हम को दहशत गर्द लॉ ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे वकील हैं। सर तारीख में पहली दफा हुआ है कि चौकीदार दरवाजे पे खड़ा है और वो घर के मालिक को अंदर नहीं जाने दे रहा। हाईकोर्ट हमारा घर है, सुबह से लेकर शाम तक हमारा इधर गुजरता है और ये चौकीदार जो सिक्योरिटी के लिए हैं, ये हमें मार मार के वहाँ पे दाखिले से रोक रहे हैं। हमारे पास आप हमारे पास खड़े थे तो आप वो ले जाए पीछे, मैंने खुद रुकवाया आपके सामने। अच्छी बात है, ये हम पत्थर इधर से, कोई बंदा पत्थर नहीं मारेगा, ये भी पत्थर ना मारे, नहीं मारेगा। ये एक पीसफुल एहतजाज है। एक मिनट आप, मेरी बात, मेरी बात। जहरीली गैस है ना सटी सर अखां दे विच। यार मैनू भी दसण दे, मैं आप बताएं हमने हमारे पास क्या चीज है। एक मिनट आप बताएं, हमारे पास कोई डंडा है, कोई सोटा है, कुछ है? आप मार रहे उधर। और सर हमने हमने रोके हैं, हम देखें क्या प्लेट है, हमने रोका है, वो भी पहुंचा, हमने रोका है, बस ये ड्रामा खत्म हो रहा है। नहीं सर, एक मिनट, आपका जो नहीं करता है, हम जख्मी नहीं है, मैं ये कहीं, ये मैं जख्मी नहीं हूं। नहीं तो सर पत्थर पकड़वाते, हम खुद रोकते हैं, इस तरीके से नहीं चलता। आप बिल्कुल पकड़े हमारी तरफ से, छोड़ के आता कि लोग पत्थर मारेंगे हमारी तरफ। कोई पत्थर है नान भाई, नान भाई जो पत्थर मारेगा वो एक पत्थर आया उसको रोक दिया, पत्थर नहीं ईंट आई, मेरे तीन जवान जख्मी हुए। पीछे जाओ थोड़ा, आप साइड पे हो जाए, पूरा मन है, पूरा मन रहे, लेकिन अगर कोई सख्ती से आएगा हम उसके पत्थर नहीं मारेंगे और ना एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें पत्थर। जो पत्थर मार रहा है मैंने उसको आई नहीं हाथों से देखना, कानून की तरफ से आप साइड पे हो जाए, आपको नहीं करते हम, जो प्रोटेस्ट करे आप साइड पे खड़े हो जाए, जो होगा पत्थर है उनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं मना की क्या तारीख है, उनकी ताकत कैसे होगी, स्टेट की रियासत को उसको टच कर रहे हैं। सर आपकी तरफ से भी बात सुने, कोई हम इनको रोकते हैं, हमें प्रोटेस्ट करने दें। मुझे वो बंदे चाहिए जिन्होंने पत्थर मारे, आप कर लेना, देख ले जो जिसने पत्थर मारे, इंडियन सिटीजन नहीं आप, हमारे पाकिस्तानी है, लेकिन कानून के जैसे आपने पहना हुआ है। आसन बूंद साहब को डंडा मारा सर पे, आसन बूंद साहब को कोई नहीं हुआ, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल के सर पे, कोई एक मेंबर पाकिस्तान साबका सेनेटर, ये बात नहीं है, इसको हम कोई एक भी पत्थर मारेगा, कोई एक लड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आया हूँ सामने कि भाई आप जिम्मेदारी ले, वो बंदे मुझे दे दें जिससे पत्थर मारे में, आप हमें नहीं पता मन रहे, ये आगे बंदे पत्थर मार रहे थे, मैंने कहा बेटा डंडे मारो, हमें भी मारो, किसी को नहीं मारेंगे, आप एक एक घंटा खड़े थे, हम आपके साथ खड़े थे, ठीक है, लेकिन पत्थर ना मारो, क्योंकि एक डिसिप्लिन मारा है वो डिसिप्लिन फोर्स की शान ही नहीं है कि वो पत्थर, मेरे तीन जवान जख्मी हुए हैं, उनका इस तरीके से नहीं हो सकता। डिसिप्लिन फोर्स है, अगर ये डिसिप्लिन के साथ ही खड़े तो कोई अच्छी बात नहीं। नान भाई हाशमी साहब मेरी बात, आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े, लेकिन अगर जो भी करेगा हाशमी भाई, आप हमारी पुलिस है, लेकिन हम भी इंडियन तो नहीं है ना कि जिस तरह ये नारे मार रहे हैं। सर गिरफ्तारी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सेक्रेटरी जनरल लोबा गिरफ्तारी दे रहे हैं जी, मैं नहीं दे रहा, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हम गिरफ्तार लिए गिरफ्तार सर, इस हमें गिरफ्तार, ये मामला कौन सोल्व करवाएगा, ये हो जाएगा, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मेहरबानी है, ये सेक्रेटरी लाहौर बार गिरफ्तार कर लिया गया है, लाहौर बार खुरमीर, खुरमीर आपको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ जी, चैलेंज की गई है चीफ जस्टिस लाहौर का, लाहौर हाई कोर्ट की, वहाँ पर पुलिस ने हम सर ज्यादती की है और मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी इस जगह से फाइल करूंगा। आप मेरे हमारे साथ बेताशा काफी जख्मी है,
छह लोग ने ज्यादती की है, इतने लोग गिरफ्तार चार्ज किया है, तेजाब फेंके हमारे ऊपर। लाहौर के दोनों सेक्रेटरी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। राव तहसीन मेरा नाम है, सेक्रेटरी लाहौर बार। राव तहसीन साहब जी गिरफ्तार करके ले गए हैं। नायब सदर थे, सेक्रेटरी थे लाहौर हाईकोर्ट के, इसके अलावा और अहदेदारान थे, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मजीद क्या होगा ये वक्त ही बता सकता है। बहरहाल सीनियर अहदेदार थे जिन्होंने मुकदमा लड़ना था वकला का, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जाते हुए पैगाम भी आखिरी दिया कि मैं गिरफ्तार कर लिया गया, चीफ जस्टिस साहब जाने, हुकूमत जाने कि अब इन्होंने मेरा क्या करना है, लेकिन बहरहाल मुझे गिरफ्तार उन्होंने कर लिया। पत्थर मार रही है सुनने में आया। अभी देखें आपका मीडिया इस चीज़ की लाइव कवरेज देख रहा है कि वकला के हाथ में डंडे हैं, नहीं है, हम खाली हाथ हैं बुकला। आप देखें पुलिस के हाथ में डंडे देखें, सोटे देखें, लाठियां देखें, और बकायदा उन्होंने पत्थर भी बरसाए हैं और हमारे कई बुकला जख्मी भी हो गए। एसएचओ जख्मी है, देखें एसएचओ भी इंसान है और हमारे दर्जनों बुकला जख्मी है।